मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा इन दिनों शदीद गर्मी की मुसलसल लहर की जद में। टोरंटो में शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कनाडा में जंगलात में लगी आग मामूल से ज़ायद अरसे तक बरकरार रहने का खतरा। शुमाली अमरीका के तिजारती शराकत दार एक जगह जमा। अमरीका मैक्सिको कनाडा माहदे के तहत गुज़िश्ता 3 सालों का जायजा लेने में मसरूफ। कैनेडियन वजीर तिजारत का कहना है कि पुरुमीद हूँ मैक्सिको और अमरीका दोनों अपने इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का लोगों को नौसरबाजों से होशियार रहने का मशवरा। सीआरए की जानिब से इंतबाह जारी। सीआरए की जानिब से कहा गया है कि नौसरबाज ग्रोसरी की नई पेशकश का झांसा दे रहे हैं। स्वीडन का कुरान पाक की बेहरमती को गैर कानूनी करार देने पर गौर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े पर दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज। इराक का तौहीन कुरान करने वाले मालून की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता। टाइटन हादसा। ओशियन गेट ने तमाम सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल कर दी। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि ओशियन गेट ने तमाम एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया है। साबका मुहिमात की नुमाया रिलीज कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा इन दिनों शदीद गर्मी की मुसलसल लहर की जद में है। मुल्क भर के अक्सर इलाकों में शदीद गर्म मौसम की वार्निंग नाफिज रही। ताहम शदीद गरज चमक का तूफान ग्रेटर टोरंटो एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा इन दिनों शदीद गर्मी की मुसलसल लहर की जद में है। मुल्क भर के अक्सर इलाकों में शदीद गर्म मौसम की वार्निंग नाफिज रही। ताहम शदीद गरज चमक के तूफान ग्रेटर टोरंटो एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 रोज़ा गर्मी का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमेरात की सपहर यार्क और डरहम के इलाकों के शहरों के लिए मुतादित इंतबाहात जारी किए। जनूबी ऑन्टेरियो के दीगर इलाके जैसे कि बैरी, कैलेडियन और हेलीबर्टन भी शदीद गरज चमक और इंतबाहात की जद में है। दूसरी जानिब 2023 के बाज़ाब्ता तौर पर कनाडा की तारीख में जंगल की आग के बदतरीन मौसम के साथ वफाकी हुकूमत खबरदार कर रही है कि मौसम गर्मा के बकिया हिस्से में मुल्क भर में आग का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। हंगामी तैयारी के वजीर बिल ब्लेयर ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि खुश्क साली के हालात जब मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्जा हरारत के साथ मिलते हैं, इसका मतलब है कि गर्मी के बेशतर हिस्से में आग की सरगर्मियों का खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। उनका कहना था कि इस साल अब तक 3,415 मुकामात पर जंगलात में आग लग चुकी है, जिनमें से 648 अब भी जल रही हैं और 339 काबू से बाहर है। बिल ब्लेयर ने कहा कि जंगल की आग से अब तक 8.8 मिलियन हेक्टर का रकबा जल चुका है और मुल्क भर में तकरीबन 5,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। 5 जुलाई तक जलने वाले जंगलात की तादाद पिछले 10 सालों में जलाए जाने वाले जंगलात की औसत मकदार से तकरीबन 11 गुना बढ़ गई है। वज़रा ने कहा कि सैकड़ों बैन अल-अक़वामी फायर फाइटर्स कैनेडा में जंगल की आग पर काबू पाने में मदद कर रहे हैं, जिनमें अमरीका, मैक्सिको, जनूबी कोरिया, चिली, न्यूजीलैंड, कोस्टारिका, पुर्तगाल, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के रजाकार शामिल हैं। शुमाली अमरीका के तिजारती शराकत दार अमरीका मैक्सिको कनाडा माहदे के तहत गुज़िश्ता 3 सालों का जायजा ले रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शुमाली अमरीका के तिजारती शराकत दार अमरीका मैक्सिको कनाडा माहदे के तहत गुज़िश्ता 3 सालों का जायजा लेने के लिए 2 दिन की मीटिंग्स के लिए
कैनोकॉन में है। बैन अलावा तजारत की वजीर मैरी एनजी, अमरीकी तजारती नुमाइंदा कैथरीन ताय और मैक्सिको की इक्तिसादियात की सेक्रेटरी राकेल बिरोस्टर के साथ मुजाकरात में मसरूफ हैं। ताई के दफ्तर का कहना है कि अमेरिका ने 2022 में तजारती माहदे के तहत तकरीबन 790 बिलियन अमरीकी डॉलर की अशिया और खदमात बरामद की, जो 2012 के मुकाबले में 31% जायद है। अमरीकी महकमे तजारत का तखमीना है कि शुमाली अमरीका की बरामदात ने 2021 में तकरीबन 2.1 मिलियन मुलाजमतों की हिमायत की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तीनों फरीक मुमकिन तौर पर माहदे की 6 साल नजरसानी शिक के बारे में सोच रहे होंगे, जिसके लिए जून 2026 तक माहदे का जामा जायजा लेने की ज़रूरत है। लेकिन एनजी का कहना है कि घड़ी की टिक टिक सुनने के बजाय वो उम्मीद करती हैं कि मैक्सिको और अमेरिका दोनों अपने इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यह माहदा मुस्तकबिल में अच्छी तरह से जिंदा रहेगा। कैनेडियन वजीर तजारत का कहना है कि USMCA, जिसे कैनेडा में CUSMA के नाम से जाना जाता है, दुनिया में सबसे कामयाब है। ये माहदा जैसे कि बातचीत की गई 16 साल से 2036 तक पेशन गोई और इस्तेहकाम दोनों फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हम सब मौसमियाती तब्दीली से लड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर का इसमें वाकई एक अहम हिस्सा है, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम इस शोबे के लिए इस्तेहकाम और यकीन पैदा कर रहे हैं। USMCA ने तीनों ममालिक को एक दूसरे के ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा देने की कोशिश के हिस्से के तौर पर ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए इजाज़त शुदा इलाकाई कदर के 62% से बढ़ाकर 75% मवाद कर दिया है। लोगों को कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी इंतबाह कर रही है कि वो उन स्कैमर से होशियार रहें जो उन्हें ग्रोसरी की नई छूट पेश करने का झांसा दे रहे हैं। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी लोगों को इंतबाह कर रही है कि वो इन स्कैमर से होशियार रहें जो उन्हें ग्रोसरी की नई छूट पेश करने का झांसा दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रोसरी की ऊंची कीमतों की तलाफी के लिए GST की छूट में आर्जी इजाफा करना शुरू कर दिया। CRA का कहना है कि स्कैमर्स पहले ही टेक्स्ट और ईमेल पैगामात भेज रहे हैं, जो एजेंसी की नुमाइंदगी करने का झूठा दावा करते हैं। एजेंसी ने एक मीडिया बयान में कहा, CRA तमाम कैनेडियन को धोखा दही वाले टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स या टेक्स्ट पैगामात से होशियार रहने की याद दिलाता है, जो CRA से होने का दावा करते हैं। हुकूमत ने तकरीबन 11 मिलियन कम और मामूली आमदनी वाले घरानों के लिए एक बार की छूट को हदफी अफराते ज़र में रिलीफ करार दिया है। CRA ने कहा कि अहल वसूल कुनंदगान सिर्फ बराह रास्त या मेल में चेक के जरिए अदायगियां वसूल करेंगे। इसके बयान में कहा गया है कि CRA टैक्स रिफंड फवायद या मेरा अकाउंट के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए टेक्स्ट मैसेजेस या फौरी पैगाम रसानी का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। एजेंसी ने कहा कि वो मखसूस हालात में अफराद को कॉल कर सकती है अगर किसी के पास रकम वाजिबुल अदा है या टैक्स रिटर्न फाइल करने में देर हो गई है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजमूम और नापाक जसारत के बाद दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और मलून शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजमूम और नापाक जसारत के बाद दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं और मालूम शख्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। स्वीडन की हुकूमत कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने पर गौर कर रही है। स्वीडन के पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस रवां साल कुरान पाक को नज़र आतिश करने की मुतादिद दरख्वास्तों को रद्द कर दिया गया था, ताहम अदालतों ने पुलिस के फैसलों को मुस्तरद करते हुए उसे आज़ादी इजहार के मनाफी करार देते हुए मुजाहरों और कुरान पाक को नज़र आतिश करने की इजाज़त दी। स्वीडन के वजीर इंसाफ गो नास्ट्रोमर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत कुरान पाक को नज़र आतिश करने के वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा ले रही है। कुरान पाक समेत दीगर मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। स्वीडिश वजीर इंसाफ का मजीद कहना था कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल के बाद कवानीन में तब्दीली करना ज़रूरी है या नहीं। हालिया वाक़ात से स्वीडन की दाखिली सलामती के लिए खतरात में इजाफा हुआ है और स्वीडन के हमलों का तरजीही हदफ बनने का इम्कान बढ़ गया है। दूसरी जानिब इराक ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलून शख्स के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराक की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स के वारंट गिरफ्तारी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस को भेज दिए गए हैं। गिरफ्तारी के खसूसी वारंट इराकी प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर से जारी किए गए हैं। स्वीडन में पनह गुजीन 37 साला इराकी नजात मलून शख्स सलवान मोमिका ने 28 जून को ईद उल अजहा के मौके पर दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक नजर आतिश करने की मजमूम हरकत की थी।
दुनिया भर में इस वाकये के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की तह में जाने वाली आबदोज टाइटन की मिल्कियती कंपनी ओशियन गेट ने तमाम सरगर्मियां गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुअत्तल कर दी हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बहरे ओकियानूस में टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की तह में जाने वाली आबदोज टाइटन की मिल्कियती कंपनी ओशियन गेट ने तमाम सरगर्मियां गैर मुअय्यन मुद्दत तक मुअत्तल कर दी हैं। ताहम दूसरी जानिब कंपनी की वेबसाइट पर अब भी मुहिमात की नुमाया रिलीज के साथ साथ टाइटैनिक के मलबे के दौरे समेत दीगर मुहिम की पेशकशों की तफसील भी शामिल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओशियन गेट ने अपनी वेबसाइट पर जारी मुख्तसर पैगाम में कहा है कि ओशियन गेट ने तमाम एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल ऑपरेशंस को मुअत्तल कर दिया है। कंपनी ने बताया कि ओशियन गेट के CEO इस डॉक्टर रश भी उस बदकिस्मत आबदोज में सवार थे जो 18 जून को रवाना हुई और फिर 22 जून को उसका मलबा मिला। कंपनी ने समंदर की सतह से तकरीबन 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक की 111 साल पुरानी बाकियात के लिए टाइटन आबदोज पर फीकस $2.5 लाख वसूल किए थे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए समंदर की तह में जाने के सफर के दौरान आबदोज टाइटन फट गई थी। आबदोज टाइटन 18 जून को टाइटैनिक की तरफ गोता लगाने के तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही मुमकिन तौर पर तबाह हो गया था। हुकाम ने 22 जून को तस्दीक की कि टाइटन को तबाहकुन हादसे का सामना करना पड़ा। इस हादसे में आबदोज में सवार तमाम 5 अफराद जाबहक हो गए थे जिसमें कंपनी के CEO भी शामिल थे। हादसे में 2 पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी जाबहक हुए थे। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV।